आप भी इंस्टेंट लोन की एप्लीकेशंस को कभी यूज किया है? क्या आप भी सर्च कर रहे हैं कि कहीं से आपको 10-15 हजार रुपए का इंस्टेंट लोन मिल जाए? तो आप सब लोग सतर्क हो जाए, बिकॉज ये जो लोन एप्लीकेशंस होती है, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर देखते हैं, ये एप्लीकेशंस बेसिकली आपको लोन तो बहुत इजीली से दे देती है, लेकिन उस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो आपको बहुत हाई पे करवाती है। प्रॉब्लम इंटरेस्ट लेवल की नहीं है, प्रॉब्लम तब आज शुरू होती है अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आप 1 या 2 दिन भी लेट हो जाते हैं इनका लोन पे करने में, तो ये आपके मोबाइल से आपका डेटा चुराती है। मतलब आपके मोबाइल पे जितनी भी आपकी फोटोग्राफ्स होती हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, वो डेटा आपके मोबाइल से वो चुरा लेती है। वो क्यों चुरा पाती है? क्योंकि जब इस लोन एप्लीकेशन को आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप परमिशन दे देते हैं, आप अपनी कैलरी की परमिशन दे देते हैं, आप फोटोग्राफ्स की परमिशन दे देते हैं, आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, मतलब आपका पूरे फोन का कंट्रोल उनके पास होता है। फिर वो क्या करते हैं, आपके फोटोग्राफ्स को डाउनलोड कर किसी एक मॉक वीडियो के साथ मर्ज कर दिया जाता है, मतलब एक पॉर्न वीडियो के साथ मर्ज कर दिया जाता है, और उस वीडियो को आपके दोस्तों तक पहुंचाया जाता है, मतलब व्हाट्सएप पर जो आपके कॉन्टैक्ट उठाए जाते हैं उनको व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, और उनको धमकियों वाले कॉल्स जाते हैं। तो सतर्क हो जाइए, इस तरह की जो लोन एप्लीकेशन होती हैं ये आपको एक्सटॉर्ट करती हैं, आपको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लेवल पे करने को बोलती हैं। साथ में ये भी देखा गया है, अभी बीच में इसी तरह का एक केस मामला सामने आया था जिसमें कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसके साथ भी उनकी एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल की थी और उसके मोबाइल से उसकी फोटोग्राफ्स को डाउनलोड कर लिया गया, मॉक कर दिया गया और उसके दोस्तों तक भेज दिया गया। तो सतर्क हो जाइए, इस तरह की एप्लीकेशंस को आपको यूज नहीं करना है। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मामला है तो cybercrime.gov.in वेबसाइट पर आपको रिपोर्ट करना है, प्लस 1930 जो नंबर है टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर भी कॉल कर आप सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन और फेक लोन एप्लीकेशन के बारे में पता चले और लोगों तक जागरूकता पहुंचे।